नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 News। TV20 News पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। जलवंशी समाज ने आज लखनऊ में आरक्षण की मांग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जलवंशी मोर्चा की तरफ से आयोजित की गई इस प्रेस वार्ता में मोर्चे के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह साध ने कहा, जलवंशी समाज के लोगों की संख्या यूपी में 18% है और वो चुनाव में एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं, लेकिन बड़ी राजनीतिक पार्टियां चुनाव के बाद इस समाज को नजरअंदाज कर देती है। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में 403 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करने का भी ऐलान मोर्चे की तरफ से किया गया है। अपनी मांग को जाहिर करते हुए जलवंशी मोर्चे के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र निषाद ने कहा कि आरक्षण को मांग को लेकर मोर्चे के पदाधिकारी विधानसभा सत्र के दौरान मंत्रिमंडल के सदस्यों से मिलकर अपनी मांग रखेंगे। साथ ही मोर्चे की तरफ से फुलन देवी की हत्या की सीबीआई जांच की भी मांग की गई। जलवंशी मोर्चा की मांग है कि समाज के लो आर्थिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए, इसलिए केंद्र सरकार को इस समाज को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। प्रेस वार्ता के दौरान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानेंद्र निषाद ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से मछुआरों के लिए बहुत सी लाभकारी योजनाएं चलाई जाती है, पर इसका लाभ गैर जलवंशी ले जाते हैं। किया है और लक्ष्य को प्राप्त करने के दो तरीकों को भी अपनाने की संभावनाओं को भी दिखाया है, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हमें समझना होगा कि हम आरक्षण पर बात कर रहे हैं, हम अपने एक एजेंडे पर बात कर रहे हैं सीबीआई जांच को लेकर जो है, तो उन दोनों विषयों पे हमें सोचना पड़ेगा कि हम पिछड़ क्यों रहे हैं। गंभीरता से समझना पड़ेगा, वास्तव में हमें आरक्षण की जरूरत नहीं है। अजय जी ने बहुत अच्छी बात की, हमें आरक्षण की जरूरत नहीं है। और उनसे पहले रामधनी बिंद जी ने कही है, पहुंचेंगे यहाँ तो बड़े बड़े नेता बैठे हैं जिनको जरूरत है, जिन पर बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो तो आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन क्या वो आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं? आप बताइए, क्या वो आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं जो नदियों के किनारे रहते हैं और उनके पास किसी संसाधन भी नहीं, पढ़ने का संसाधन नहीं है, कमाई का संसाधन नहीं है, क्या वो आरक्षण का लाभ पा सकते हैं?